हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित तोमर और स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी में पर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं अपना एक नया और बेहतरीन टॉपिक, वो होगा भारत के राष्ट्रपति। जी हां, प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, उन सभी के ऑर्डर याद करेंगे, वो क्रम याद करेंगे, कौन से नंबर पर कौन सा राष्ट्रपति था। मैं आपको कहूंगा सातवें नंबर पर कौन सा राष्ट्रपति था, एग्जाम में आएगा सातवें नंबर का कौन सा राष्ट्रपति था। आप कहोगे ज्ञानी जेल सिंह, कैसे कैसे कैसे, सात की शेप देखो, सात किसकी तरह दिख रहा, सात स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट मतलब जो गली में लाइट चलती है ना, एक खंभा होगा ये लाइट होगी, तो उसके नीचे पढ़कर लोग क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। मैं आपको पूछूंगा पहला राष्ट्रपति कौन था, आप क्या कहोगे, राष्ट्रपति बनने के बाद भगवान को क्या, सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करोगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे, कौन से भगवान को, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो राधा कृष्णन पहले नंबर का था प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर किसको चढ़ाओगे, राधा कृष्ण भगवान को, मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ऐसे याद करूंगा। तो चलिएगा जल्दी से, टाइम ना वेस्ट करते हो, अपने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले नंबर के राष्ट्रपति, कुछ नहीं करना। राष्ट्रपति बनने के बाद भाई सबसे पहले राष्ट्रपति बने, सबसे पहले देश का सबसे बड़ा ओहदा मिल गया। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पहले ये याद करवा देता हूँ एक बार, अनुच्छेद 52। देखिए राष्ट्रपति जो, राष्ट्रपति शब्द मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया अनुच्छेद 52 में। कैसे याद करना, कैसे याद करना, देखो अनुच्छेद 52, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का, किसी भी देश का राष्ट्रपति उस देश का प्रथम नागरिक होता है, ये तो पता होगा ना भाई, प्रथम नागरिक मतलब देश का राजा। और राजा कौन होता है, राजा तो भाई लायन होता है, शेर होता है जंगल का, आपको पता होगा राजा कौन होता है, लायन। मार्कर इज नॉट वर्किंग। देखिए किसी भी देश का राजा उस देश का क्या होता है, लायन होता है, आपको पता है यार, शेर ही तो जंगल का राजा होता है, ऐसे ही देश का राजा भी शेर होगा। तो आपको पता होगा राष्ट्रपति देश का राजा होता है, बिल्कुल देश का प्रथम नागरिक, तो प्रथम नागरिक मतलब राजा। राजा कौन होता है, लायन होता है, शेर होता है, बस लायन को डिकोड दो, तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं पता, आई बटन पे क्लिक करो, पहले वो देख के आओ, बहुत बहुत फायदेमंद है। एल कोड 5, आई नो कोड, ओ नो कोड, एन कोड 2, 52, अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कराऊंगा एक एक बढ़िया से बताऊंगा, ये देख लो केवल छोटा सा पॉइंट था राष्ट्रपति के बारे में। अब आते हैं राष्ट्रपति के कर्मों को याद करने के बारे में, उससे पहले आपको शेप मेथड याद करना होगा। शेप मेथड मतलब आकृति विधि, मतलब कौन सा नंबर किस चीज की आकृति दे रहा है। देखिए एक, एक को देखो, एक एक डिजिट है ना, एक आपको किसकी तरह दिख रहा, कैंडल मोमबत्ती जलती है ना, उसकी तरह एक दिख रहा, बिल्कुल सही। और कलम जो आप हाथ में पकड़े हुए, पेन, उसकी तरह एक दिख रहा ना, बिल्कुल ये मैं पकड़े हूं, देखो एक। एक के लिए क्या हो गया, मोमबत्ती होगी और कलम हो गया, मतलब जो स्ट्रेट चीज हम उनको ले लेंगे। आदमी भी एक का सिंबल होता है, खड़े सीधे खड़े जाओ तो एक बनेगा, बिल्कुल किसी भी चीज को ले सकते हैं हम, जो जहां पर फिट होगा उसको लेंगे। तो के लिए यूज करते हैं बत्तख और सांप, ले लो सांप भी ऐसे ही होता है और बत्तख की चोंच भी ऐसे ही होता है, दो की तरह। तीन के लिए यूज करते हैं हल्ट, दिल, देखो तीन बना, तीन ये बनाते हैं ना और इसको मिला दो, ऐसे दिल बन गया ना, वो इमोजी में भेजते हैं, इमोजी वाला दिल, वो चैट पर भेजते हैं ना वो वाला, तो ये उल्टा ये बना दो भाई और ये इसको मिला दो, तीन हल्ट, बिल्कुल रिलेट हो गया बढ़िया से। चार के लिए यूज करते हैं चेयर, कुर्सी, देखो चार बनाओ, चार चार ये ऐसे ही बनाते हैं ना चार, अब चार को उल्टा कर दो, देखो ये क्या बन गया, उल्टा चार, उल्टा चार भाई, ऐसे घुमा दिया, चार बन गया, खत्म बात खत्म, चेयर बात हमको हो गया रिलेट। पांच के लिए यूज करते हैं हुक, एक आपने हुक देखा होगा ऐसे एस वाला, शायद साइड में आपको इमेज भी दिख रही हो अब शायद, देखो आपने ऐसा हुक देखा होगा बिल्कुल एस वाला, तो ऊपर उसको टांग देते हैं छत में और नीचे इस पर कुछ भी वजन टांग दे तोलने के लिए, तो ये किसी शेप में होगा, पांच, पांच की शेप मतलब हुक। छह के लिए यूज करते हैं हॉकी स्टिक, हॉकी, हॉकी आगे से मुड़ी होता है ना थोड़ी, छह की शेप वाली है, बिल्कुल सही। सात के लिए यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट, ये सीधा खंबा होगा और आगे स्ट्रीट लाइट, लाइट निकल गई खत्म। आठ के लिए यूज करते हैं चश्मा, देखो ये आठ बनी चश्मे बन गए, दो गोल मतलब चश्मे। नौ के लिए यूज करते हैं उड़ता हुआ बलून, नौ ऊपर वाला हो गया बलून मतलब गुब्बारा, ये हो गया धागा, ये हो गया धागा मतलब बलून उड़ गया, धागा छूट गया मतलब उड़ता हुआ बलून, काम खत्म। दस के लिए यूज करते हैं बैट बॉल, एक होगा बैट, जीरो हो गई बॉल, काम खत्म, जीरो बॉल एक बैट, बस काम खत्म। अब आप एक बार देखते हैं, आप राष्ट्रपति बन गए सबसे पहले क्या करोगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे भाई, इतना बड़ा ओहदा मिल गया आपको। मान लो आपकी इच्छा थी राष्ट्रपति बनने की, आपने भाई भगवान राष्ट्रपति बना दे, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा भगवान, तो भगवान ने आपको बना दिया, बस फिर तो आप जाओगे और
जाकर कितने का भी 1000 2000 भाई राष्ट्रपति का होगा, 1000 2000 का प्रसाद चढ़ाओगे भगवान पर? कौन से भगवान पर भाई? राधा कृष्णा राधे कृष्णा, तो राधा कृष्ण भगवान पर, राधा कृष्ण की जोड़ी है ना भगवान, तो उन पर चढ़ाओगे भाई, बिल्कुल सही। औरों पर भी चढ़ाओगे लेकिन राधा कृष्ण भगवान पर भी चढ़ाओगे। क्या कहा? सबसे पहले प्रसाद चढ़ाओगे, राजेंद्र प्रसाद, काम खत्म। पहले नंबर पर किसको चढ़ाओगे? राधा कृष्णा राधे कृष्णा, मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्ण, काम खत्म। दूसरे नंबर पर पहले दो आपको रिलेट होगी, पहले दो के लिए मैंने शेप मेथड यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो इतना कारगर मेरे को नहीं दिख रहा था। अब तीन के लिए देखो, इतना कारगर मेरे को नहीं लगा शायद। तीन के लिए देखो, तीन तीन आकृति विधि याद करना थोड़ी। तीन के लिए यूज करते हल्ट, बताया था तीन हल्ट। देखो अब आपको कोई हल्ट मतलब दिल, दिल को कोई तोड़ता है, हल्ट को कोई हर्ट करता है। हल्ट मतलब ये इंग्लिश वाला HURT। देखो मैंने यहां पर दो हल्ट यूज किया, एक तो ये हल्ट दिल HEART और ये एक HURT हल्ट, मतलब ठेस पहुंचाना। कोई नहीं इसको पता हो तो देख लेना, मतलब आपके दिल को कोई ठेस पहुंचा, कोई तोड़ता है, जैसे वाइफ हस्बैंड नहीं होता तो कोई दिल तोड़, तो क्या हम क्या करें? जाकर अपनी जिंदगी जी ले, जाकर अपनी जिंदगी जी ले, जाकर तुझे जो कुछ करना आज के बाद मैं तुझसे नहीं बोलूं, काम खत्म। जाकर आप क्या बोले? जाकर अपनी जिंदगी जी ले, जाकर तुझे जो करना, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकर जाकर अपनी जिंदगी जी ले, किसी ने आपका दिल तोड़ा, जाकर अपनी जिंदगी जी ले, जाकर जाकर तुझे जो भी करना, काम खत्म। विवेकगिरी चौथे नंबर पे देखो, देखो देखो चार चेयर, चार चेयर आपको दिमाग में एकदम आना चाहिए, चार मतलब कुर्सी, ऐसे चार उल्टा चार कर दो कुर्सी, ऐसे बन जाएगी, बिल्कुल सही कुर्सी। अब आप कुर्सी से चेयर से आप क्या हो गए? गिरे भाई। बच्चे तो यार अपने जैसे तो वैसे भी यार, कभी चेयर के अगले वाले दो पैर उठा देते हैं, कभी चेयर के पिछले वाले दो पैर उठा गया, ऐसे मस्ती में बैठते हैं, तो गिरे तो गए ही भाई, बिल्कुल ऑफकोर्स चेयर से आप गिरे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चेयर से आप गिरो, आपके पेरेंट्स कहते हैं आराम से बैठो चेयर पे वरना गिर जाओगे, मतलब चेयर से आप गिरे, लड़की हो तो गिरी, मतलब बेबी गिरी, काम खत्म। चेयर से आप गिरे, लड़की हो तो आप लड़की हो तो गिरी, लड़की हो तो गिरी, गिरे मतलब गिरे, गिरी से आ गया बीबी गिरी, काम खत्म। पांच फखरुद्दीन अली अहमद याद कैसे करना? पांच हुक, ऐसे वाला हुक याद नजर आओगा, हुक फकरू, हुक फकरू, सेम साउंड है, रिलेट कर पाओगे आई होप, हुक फकरू, हुक फकरू। और एक और मेथड बता दूं, पांच को रिलेट किया आंच से, आंच। हम किसी को क्या कहते हैं? मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा, ये हम कैसे कहते हैं? फकर से, फकर से कहते हैं ना, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा, आंच से बन गया पांच, और फकर से हो गया फखरुद्दीन अली अहमद, मतलब पांचवें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद। एक मिनट में पूछूंगा, जरा देखते जाना, आपको सब कुछ याद हो। छह को रिलेट क्या? हॉकी स्टिक, छह हॉकी स्टिक, बिल्कुल सही। हॉकी स्टिक आजकल क्या हो रही है भाई? नीलाम, नीलाम का अर्थ समझो पहले, जैसे ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी हॉकी स्टिक आज तक रखी हुई है, पता है सबको आज तक रखी है, लेकिन भाई उसको अगर मैं नीलाम करना चाहूँ तो मेरे को जो कमेटी, जिसको जो कमेटी उस हॉकी स्टिक को रखी है, उस मैंने उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो वो एक साल के लिए दो साल के लिए मेरी हो जाएगी। मेरी कैसे? जो भी टूरिस्ट पर्यटक उसको देखने के लिए आएंगे, वो कुछ टिकट लेंगे ना, टिकट में पैसे देंगे, और वो पैसे आएंगे वो मेरे पास आएंगे, ना कि कमेटी के पास। कमेटी को तो मैं पहले पैसे दे चुका, वो पैसे मेरे पास आएंगे और मेरी कमाई होगी उससे, और फिर बस ऐसे नीलाम कर लिया और अगले साल कोई और ले लेगा, वरना मैं भी चाहूं तो मैं भी ले सकूं, ये होगी नीलाम, आपको पता होगा। तो हॉकी स्टिक आजकल क्या हो रही है? नीलाम हो रही है भाई, मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक, लोग उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। देखिए ना, बस काम खत्म। नीलम संजीव रेड्डी, सात स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट में पढ़कर लोग क्या होते हैं, ज्ञानी बनते हैं भाई, बिल्कुल सही। आपने नहीं पढ़ा, जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जितने स्ट्रीट लाइट में पढ़ोगे उतनी देर तक पढ़ोगे, जितने पंखे वाले एसी वाले रूम में पढ़ोगे उतनी कम देर तक पढ़ा जाएगा। तो भाई मैंने क्या कहा, स्ट्रीट लाइन में पढ़कर गए लोग ज्ञानी होते हैं, काम खत्म। आठ चश्मा, चश्मा कौन पहनते हैं भाई? स्वामी जी रामास्वामी वेंकटरमन, चश्मा कौन पहनते? स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, आपने नाम सुना हो, बढ़िया बढ़िया स्वामी हुए हमारे देश में, साधु संत इतने बढ़िया, इतने बड़े बड़े स्वामी, चश्मा कौन पहनते? स्वामी लोग रामास्वामी वेंकटरमन। नौ उड़ता हुआ बलून, ये बलून जस्ट सेकंड, देखो 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 ये बलून, बलून मतलब गुब्बारा, पता तो होगा ये बलून, और ये उड़ गया, उड़ गया भाई, धागा बंधा होगा, धागा बंधा बंधा हाथ से छूट गया, उड़ गया। उड़ते हुए बलून में कौन जा रहा था भाई? शंकर भगवान, भाई शंकर भगवान यार पैदल तो चलेंगे नहीं, अब यहां से कैलाश पर्वत पर जाना, पैदल चलकर थोड़ी जाएंगे, बाय एयर। आपको पता भी होगा हनुमान जी उड़कर जाते हैं, तो ऐसे सभी भगवान उड़कर जाते हैं,
तो भाई मैंने क्या कहा, शंकर भगवान उड़ते हुए बलून में कौन जा रहे थे, शंकर भगवान भाई बिल्कुल सही उड़ते हुए बलून में बैठकर, उसके अंदर बैठकर, जैसे होता ना पैराशूट में अंदर बैठकर, तो ऐसे उड़ते हुए बलून में बैठकर कौन जा रहे थे, शंकर भगवान भाई उड़कर ही जाएंगे, ये तो नहीं पैदल चलते जाएंगे, उड़ते हुए बलून कौन, शंकर भगवान, शंकर दयाल सर मानोवे नंबर पर काम खत्म, 10वां नंबर बैट बॉल किसके पास, एक बैट जीरो बॉल, बैट बॉल किसके पास होगा, बोलो बोलो, कोच के पास, सिखाने वाले के ही तो पास बैट बॉल होगा भाई, अदरवाइज एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए देता के आर नारायण, ये कोचरिल रमन नारायण है लेकिन वो बनता है श्यामा और दे देता के आर नारायण, कभी कभी दोनों ऑप्शन बताऊं, के आर नारायण, देखो 10 है सुल्टा, उल्टा 10 लिखो, ये मैंने पहले लिखा था, कोई नहीं सॉरी, उल्टा 10 लिखो, सुल्टा 10 एक आगे जीरो पीछे, उल्टा 10 जीरो आगे एक पीछे, ये बन गया उल्टा 10, बिल्कुल मारो डंडा, क्या बन गया, अणे बन गया हिंदी का, बिल्कुल सही, अणे बन गया, अणे किसी भी राष्ट्रपति के नाम में सबसे पीछे, किसी भी राष्ट्रपति के नाम में नहीं आता सिवाय कि नारायण के, अब आपको ये कृष्णन में आ गया, ये आखिर से दूसरे नंबर पर, लेकिन फिर भी भाई साहब राष्ट्रपति बनने के पास सबसे पहले प्रसाद चढ़ाओगे और किसको, राधे कृष्णा भगवान को, वो तो फिक्स हो गया, वो तो दिमाग से हिलने का नाम भी नहीं लेगा, वो तो दूसरे नंबर पर फिक्स हो गया, वो तो इतनी बढ़िया ट्रिक बना दी उसकी तो फिक्स हो गया, और भाई अणे 10 का अणे सबसे पीछे नारायण में, बस एकदम ऑप्शन में आएगा नारायण, काम खत्म, चार ऑप्शन आएंगे, एक चुनना पड़ेगा भाई, एक, इसलिए छोटी छोटी ट्रिक नंबर दिला देती हैं, बस काम खत्म, नारायण बन गया, के आर नारायण, कोचरिल रमन नारायण 10वें नंबर पर, 11वें नंबर है एपीजे अब्दुल कलाम, 11 एक की के शेप के किसकी है, कलम, पेन की, पेन कलम, पेन को हिंदी में कलम बोलते हैं, एक ही शेप का कलम, एक ये कलम और दूसरा ये कलम मान लो, एक मतलब कलम, मतलब ये कलम पर जोर दे रहा, कलम से क्या बन जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम, कलम से कलाम मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, काम खत्म, एक 11 शेप, 11 है ना, को पूछे यार 11वीं शेप पर, एक ये कलम, कलम मतलब अब कलाम, मतलब अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, काम खत्म, एक 12वें नंबर पर देखो, 12वें नंबर पर एक किसकी शेप का होता है, आदमी की तो शेप हो, भाई सीधा खड़ा हूं यार, देख लो किसकी शेप, ये तो है नहीं, 2 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, एक ही तो बनेगा, सीधा आदमी है यार, एक ही तो बनेगा, काम खत्म, और 2 के लिए नाग, ये आदमी उसके सामने आ गया, उसके सामने आ गया सांप नाग, देखो यार 2 की शेप ही तो होती है, उसका वो होता फन, तो 2 की शेप का होता ना, एक मतलब एक आदमी के सामने आ गया नाग, कैसे बचेगा आदमी, अगर आदमी प्रतिभा होगी उसको मार कर गिराने की सांप को, तो बच जाएगा, वरना तो भाई मरेगा, बिल्कुल डेफिनेट निश्चित है भाई, बिल्कुल सही, तो एक आदमी के सामने नाग कैसे बचेगा, प्रतिभा होगी उसको सांप को मारने की तो बच जाएगा, वरना मरेगा, प्रतिभा पार्टी में होगा 12वें नंबर पर, अब कौन राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद भाई, देखो आज तक के केवल 14 राष्ट्रपति हुए, देखो 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, सबसे पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाए कौन से, राधे स्वामी को, दोनों राधे कृष्णा को, दोनों के रिलेट हुए 26 जनवरी 1950 से, 1950 से 2020 तक 70 साल हो गए, और एक राष्ट्रपति का प्लान होता 5 साल, 70 को 5 से डिवाइड कर दो, रफ स्केच बता रहा हूँ, रफ स्केच, वरना कोई ज्ञानी भी होंगे यहाँ पर वो कहते होंगे कि भाई राजेंद्र प्रसाद तो 12 साल तक रहे थे, भाई ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब बताऊंगा, लेकिन रफ स्केच बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रपति की काउंटिंग करने के लिए 70 को 5 से डिवाइड कर दो 14 आएगा, तो टोटल 14 राष्ट्रपति, 14वां अभी चल रहा है 2022 में जाकर इसका खत्म होगा, ये इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, मतलब अब 14वें नंबर का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पहला कौन था सबको पता यार, प्रणब मुखर्जी, ये तो वेल ऑलरेडी है, तो 13वें नंबर है प्रणब मुखर्जी, काम खत्म, आपको हो गए सब लर्न। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं यार रिवीजन नहीं करा रहा, काम खत्म, पहले आप बताओ, एक ही बार करवाया आप बताओ, 7वें नंबर के राष्ट्रपति स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लगते हैं, 7वें नंबर पर स्ट्रीट लाइट में पढ़कर लोग क्या होते हैं, क्या नहीं होते, काम खत्म, मैं बोल रहा हूँ 11वें नंबर पर बताओ, एक कलम कलाम, अब एपीजे अब्दुल कलाम, मैं बोल रहा हूँ पहले नंबर के राष्ट्रपति बनो भाई, राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति बने भगवान पर प्रसाद चढ़ाएंगे, हे भगवान राष्ट्रपति बना दिया तूने, बस काम खत्म, तो कौन से भगवान पर, राधे कृष्णा पहला, दूसरा काम खत्म, जिंदगी में कोई परेशान नहीं होगी, चौथे नंबर के बताओ, चौथे 4 चेयर कुर्सी से आप गिरे विविगिर, काम खत्म, 5वें नंबर के बताओ, 5 हुक फकरू, काम खत्म, फकरुद्दीन अली अहमद, वरना आंच, मैं तुमको आंच भी नहीं आने दूंगा, हम ये फक्र से कहते हैं ना, फकरुद्दीन अली अहमद, काम करना, और भाई एक 10वें नंबर के बताओ, 10 का उल्टा कर दो, अणे नारायण, के आर नारायण,
अदरवाइज बैट बॉल किसके पास होती है, कोच के पास, पूरी फुल फॉर्म दे रखे कोच रिंडमन नारायण भाई। मैं आपको भाई ऐसे तो बताने के लिए मैं सभी को पांच पांच बार कर देता हूँ, लेकिन भाई आई होप आपको ये सब दिल में बैठ गए होंगे, दिल और दिमाग में, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल यार। तो भाई इसका आने वाला पार्ट टू, पार्ट टू में देखेंगे हम बहुत सारे इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कभी आपने राष्ट्रपति पर शायद पहले ना देखे हो, लेकिन हर एक बार एग्जाम में आते हैं, हर एक बार इतने सब कुछ कार्यवाहक राष्ट्रपति देखेंगे, राष्ट्रपति इनका कार्यकाल देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो भाई वो आएगा पार्ट टू में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका कुछ करना हो तो कर दो स्क्रीनशॉट, अदरवाइज मिलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे।